हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल टेक वन स्पॉट। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं हाउ टू फॉर्मेट योर यूएसबी पेन ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क यूजिंग सीएमडी। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। सो गाइस, मैं यहाँ एक पेन ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ एंड नाउ मैं दिस पीसी को ओपन करता हूँ। सो मेरी पेन ड्राइव की मिनिमम साइज थी 32 GB, बट राइट नाउ ये दिखा रहा है 2.25 MB। सो अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ आती है कि आपकी पेन ड्राइव की ओरिजिनल साइज जो है वो नहीं शो हो रही है, उसके अलावा कुछ और साइज शो हो रही है, तो हमें उसे फॉर्मेट करना होगा। तो अगर मैं इसे नॉर्मली फॉर्मेट करता हूँ, लाइक मैं राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड स्टार्ट फॉर्मेट करता हूँ, ओके। सो फॉर्मेट होने के बाद भी ये मुझे वही स्पेस बार बार शो करवा रहा है, और राइट नाउ मैं 2.25 MB ज़्यादा का डेटा यहाँ स्टोर नहीं कर पाऊंगा, जबकि मेरी पेन ड्राइव 32 GB की थी। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो हमें क्या करना है? तो सबसे पहले अगर हम इसे रिपेयर करके वापस ओरिजिनल स्पेस बदलानी है इसमें, तो सबसे पहले हमें प्रेस करना है विंडो, टाइप करना है CMD एंड यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है। यस नाउ यहाँ पे सबसे पहला जो कमांड हमें टाइप करना है वो है डिस्क पार्ट। सॉरी, आपको टाइप करना है DISK डिस्क, PART पार्ट एंड एंटर, एंड यहां पे डिस्क पास स्टार्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमें यहां टाइप करना है लिस्ट डिस्क, लिस्ट DISK डिस्क। सो यहां पे दो डिस्क आपको दिख रही है, एक है डिस्क जीरो जिसकी साइज है 2 to 3 GB, और एक है डिस्क वन जिसकी साइज है 20 GB। सो ऑफकोर्स 2 to 3 GB वाली जो डिस्क है वो तो मेरी हार्ड डिस्क है, और जो सेकेंड डिस्क वन दिख रही है आपको 20 GB, वो है मेरी पेन ड्राइव। सो यहां पे मुझे सिलेक्ट करना है मेरी पेन ड्राइव को, तो मैं क्या टाइप करूंगा, मैं टाइप करूंगा करना है SELECT सिलेक्ट DISK डिस्क वन। डिस्क वन इज नाउ सिलेक्टेड डिस्क। अब हमें यहां टाइप करना है क्लीन, क्योंकि हमें इस डिस्क को क्लीन करना है। सो मैं यहां टाइप करूंगा CLEAN क्लीन डिस्क पार्ट सक्सेस इन क्लीनिंग द डिस्क। अब हमें यहां पे प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करना है। सो टू क्रिएट अ प्राइमरी पार्टीशन हमें टाइप करना है क्रिएट CREATE क्रिएट पार्टीशन PARTITION स्पेस प्राइमरी PRIMARY एंड एंटर हिट करना है। सो डिस्क पार्टीशन क्रिएटिंग स्पेसिफाइड पार्टीशन। अब हमें पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। सो हम टाइप करेंगे SELECT सिलेक्ट पार्टीशन PARTITION वन, पार्टीशन इज नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। अब हमें यहां टाइप करना है एक्टिव, क्योंकि अब मुझे इस पेन ड्राइव को एक्टिव करवाना है। सो हम टाइप करेंगे ACTIVE एक्टिव एंड अगेन आपको, अब हमें इसे फॉर्मेट करना है। आप चाहो तो आप इसे FAT32 के फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हो, या फिर NTFS के फॉर्मेट में फॉर्मेट कर सकते हो। सो मैं यहाँ टाइप करूंगा FORMAT फॉर्मेट स्पेस FX इज इक्वल स्पेस इज इक्वल टू FAT FAT32 स्पेस करके आप यहाँ पे लिखेंगे क्विक QUICK एंड एंटर, एंड यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है मेरी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने के लिए एंड यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया। अब हमें यहाँ टाइप करना है एग्जिट एंटर, अगेन हम यहाँ टाइप करेंगे EXIT एग्जिट एंटर एंड नाउ यहाँ आप देख सकते हो मेरी पेन ड्राइव जिसके अंदर पहले 2.25 MB दिखा रहा था, राइट नाउ उसकी स्पेस दिखा रहा है 28.8 GB। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक वन स्पॉट। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।